अगर आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म पहले से भर चुके हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहले से नहीं फॉर्म भर पाए हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग 30 सितंबर तक, यानी 30 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है, 30 सितंबर के पहले ऑनलाइन करा लें। उसके पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ बदलाव किया गया है, वो आप लोग डिटेल से समझ लीजिए क्या क्या बदलाव किया गया है। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप का फायदा नहीं उठा पाएंगे। चाहे आप फॉर्म ले आके डाल भी देते हैं, भर देते हैं फॉर्म, फिर भी आप लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप को रिजेक्ट कर दिया जाता है बहुत सारे बच्चों का। तो क्या क्या रीजन है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा इस वीडियो में समझेंगे। तो पूरा वीडियो पे बने रहे, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेशनल स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप है जिसमें गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बच्चों को 36,000 रुपया दिया जाता है। 36,000 रुपया जो एक बार में नहीं दिया जाता है, ये हर महीने 1,000 रुपया करके 3 सालों तक दिया जाता है। इसके लिए ये नेशनल स्कॉलरशिप एक रखा गया है जो बच्चे भर के अपना हर महीने 1,000 रुपया पढ़ाई के तौर पे ले सकते हैं, जिससे आप लोग पढ़ाई बेहतर बना सकें। तो नेशनल स्कॉलरशिप यही है जो मैट्रिक के बच्चे भी भर सकते हैं और इंटर पास बच्चे भी भर सकते हैं। जो मैट्रिक पास कर चुके हैं चाहे इंटर पास कर चुके हैं वो भर सकते हैं, और जो अब तक नहीं भरे हैं उनके लिए विशेष वीडियो है। जो भर चुके हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग जल्दी से आप लोग नज़दीकी अपने कैफ़े में चले जाइए, और नेशनल स्कॉलरशिप जो भी ऑनलाइन कराए हैं अपने स्टूडेंट लॉगिन और आईडी से लॉगिन करके आप लोग अपना ओरिजिनल मार्कशीट, जो इंटर या मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट होता है, वो मार्कशीट को अपडेट करा दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जल्दी से ये काम आप लोग जरूर करा लीजिए। और जो अब तक नेशनल स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं वो डिटेल से समझेंगे क्या क्या प्रोसेस है नेशनल स्कॉलरशिप भरने का, ताकि आप लोग का बेहतर ढंग से पैसा आ सके, आप लोग हर महीने 1,000 रुपया गवर्नमेंट के तरफ से लाभ उठा सके। हर कोई चाहता है लाभ उठाना गवर्नमेंट के तरफ से, जो भी पैसा मिले। तो आप लोग डिटेल से समझिए क्या क्या प्रोसेस है। देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप 2022-2023 इसलिए रखा जाता है इसका नाम, अगर आप 2022 में पास किए हैं तो ये सेशन आप लोगों का 2022 में तो मिलेगा नहीं छात्रवृत्ति, ये 2023 तक मिलता है। 2022-2023 सेशन रखने का यही मकसद है कि आप अगर 2022 में पास आउट किए हैं, मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जाके, अभी साइट खुला हुआ है। और पहले जो बच्चे भरे हुए थे उनके ये भी विशेष सूचना है, पहले जो बच्चे नेशनल स्कॉलरशिप को ऑनलाइन किए थे उनका फॉर्म किसी कारण से पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गया है, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पे जरूर बने रहे, वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, आप लोगों का इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों का अप्लाई जो डेट है वो 20 तारीख 7वां महीना से स्टार्ट हो गया है, यानी जुलाई से स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का अप्लाई 20 तारीख से। तो अब तक अप्लाई नहीं किए तो आप लोग जाके 30 तारीख से पहले ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, और आप लोग अपना ओरिजिनल मार्कशीट जरूर डालिएगा, नहीं तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए, थर्ड नंबर स्टेप पर कहता है क्या, वेरीफाई आप लोगों का किया जाएगा 16 तारीख 10वां महीना 2022 को वेरीफाई किया जाएगा, और आपके इंस्टीट्यूट में भी वेरीफाई किया जाएगा 16 तारीख को। और इतना वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को हर महीने पैसे देने स्टार्ट हो जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है, सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही आप लोग लगाइएगा। पहला होता है मार्कशीट, दूसरा बैंक का पासबुक। बैंक का पासबुक अपलोड करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका सर्टिफिकेट पे जो नाम होगा, यानी आपके मार्कशीट में जो नाम होगा, वही नाम का आपका बैंक अकाउंट में भी नाम होना चाहिए, साथ में IFSC कोड भी होना चाहिए। IFSC कोड जब तक नहीं रहेगा तब तक पैसा आप लोगों के अकाउंट में नहीं आ सकता है। इसलिए अगर आपके बैंक अकाउंट पर, अगर पासबुक पर देखिए IFSC कोड नहीं है, तो अपने नजदीकी बैंक में जाके IFSC कोड जरूर चढ़वा लीजिएगा, तब जाके आप लोग जाके फॉर्म को भरवाइएगा। आधार कार्ड में, आधार कार्ड अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह सब चीज मिला लीजिएगा, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। बहुत बच्चों का डेट ऑफ बर्थ भी दिक्कत होने के कारण उन लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अब तक 2-3 साल से बच्चे दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है।
आगे देखिए आपके नाम का जीमेल होना चाहिए, जीमेल कहिए या ईमेल कहिए बात सेम है, आपके नाम का जीमेल या ईमेल होना चाहिए। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आप कंटिन्यू चलाते हैं, डेली ऑन रहे मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा। जीमेल कोई भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए या किसी का फैमिली मेम्बर का होना चाहिए। और आगे देखिए कॉलेज रसीद, कॉलेज रसीद मतलब आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप जब भर रहे हैं तो जो कॉलेज से पास आउट किए हैं उस कॉलेज का कोई रसीद ज़रूर होगा, नहीं तो नए कॉलेज में जो एडमिशन कराए हैं वो कॉलेज का रसीद भी लगा सकते हैं। देख लीजिए आप लोग मैट्रिक पास किए हैं तो 11th में एडमिशन कराए हैं तो 11th का रसीद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 12th पास किए हैं तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करा चुके हैं तो ग्रेजुएशन का रसीद लगा सकते हैं, या 12th का ही लगा दीजिए या 10th का ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोगों का 1,20,000 से कम का राशि होना चाहिए, तभी जाके आप लोगों का आय प्रमाण पत्र वैलिड होता है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाइए। अगर आप ST, SC, OBC और EBC से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाइए ताकि आप लोगों का विशेष छूट मिल सके। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अस्थाई और अस्थाई कोई भी चल सकता है। मार्कशीट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, आप लोग मार्कशीट ओरिजिनल ही अपलोड करिएगा, जितना हो सके ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करने की आप लोग कोशिश करिएगा। आप लोग फोटो कॉपी या नेट द्वारा नहीं अपलोड करिएगा। ये आधार कार्ड आप लोगों का फोटो कॉपी चल सकता है लेकिन मार्कशीट फोटो कॉपी नहीं चलेगा। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जो आप लोगों का स्कैन करके ही लगेगा, स्कैन करके फोटो लग जाएगा और आप लोगों को जो भी फॉर्म आप लोगों का भरेंगे वो स्कैन करने के बाद आप लोगों को दे देंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का इन्फॉर्मेशन था वो बच्चों के लिए जो इस साल फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन था। और साथ में मैं बता दूं पहले जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उनका अगर फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है आप लोग कमेंट करिए, ताकि मैं कमेंट में आप लोगों का जवाब दे सकूँ कि क्या कारण है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो कमेंट आप लोग करके ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही था दोस्तों।